दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 23 नवंबर 2021। एक बार फिर से हम आपके लिए पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांच विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग भर्ती का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इंडियन रेलवे भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ NHM में भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी निकली है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है होमगार्ड डिपार्टमेंट में। होमगार्ड विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्रममैन और कांस्टेबल बिगुलर की। यहाँ पर 135 वैकेंसी निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए कल से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 नवंबर 2021 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 दिसंबर 2021 है। सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का जन्म 1-1-2002 से 2-1-1997 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। फीस की बात की जाए तो जनरल OBC और MBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ₹500 आवेदन शुल्क है। SC ST EWS के लिए ₹400 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन ई चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, मेडिकल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। home.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in जिसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें वेटनरी ऑफिसर की, पशु चिकित्सा अधिकारी की यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। 353 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 दिसंबर 2021 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो 47,600 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो SC ST जो ऑल स्टेट के हैं और BC जो पंजाब स्टेट के हैं उनके लिए ₹750 फीस है। इसमें 500 एप्लीकेशन फीस है और यहां पर 250 एग्जामिनेशन फीस है। EX सर्विसमैन, EWS, PWD और LDSM और जो पंजाब के हैं उनके लिए ₹500 यहां पर एग्जामिनेशन फीस है। जी हां दोस्तों, इसमें ओनली एप्लीकेशन फीस ₹500 है, कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगेगी। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ₹1500 शुल्क है। इसमें 500 एप्लीकेशन फीस है और एग्जाम फीस भी ₹1000 है, जो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से यहाँ पर जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। PPSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। एग्जीक्यूटिव हाइड्रो की यहाँ पर पोस्ट है। वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 नवंबर से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 नवंबर 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी
30 नवंबर 2021 है। सेल यहाँ पर 60,000 रुपये प्रति माह के लिए है। बीबीटेक यानी कि इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 35 वर्ष है। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है। एसएसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर ऑफलाइन चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। ntpc.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है इंडियन रेलवे में। भारतीय रेलवे में TGT, PGT और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। वैकेंसीज आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर डेट की जाए तो वॉक इन इंटरव्यू की डेट 25, 26 और 27 नवंबर 2021 है। यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 है। प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 प्रति माह के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 65 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। मुंबई जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। cr.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है नर्स, सुपरवाइजर, कंसल्टेंट, सोशल वर्कर, डाटा मैनेजर और भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है। सभी के लिए 250 से अधिक वैकेंसीज निकली हुई है। बात अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 नवंबर 2021 है। सैलरी 15,000 से 65,000 रुपये है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th, 12th GNM, BSc नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 43 और 62 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है nhm.assam.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 23 नवंबर 2021 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।